बिहारीगढ़ प्रखंड क्षेत्र के शेखपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया जवाहरलाल मेहता उर्फ चुनचुन मेहता के ऊपर शनिवार की संध्या में अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें मुखिया बाल बाल बचे। थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा पंचायत वार्ड नंबर 9 निवासी जवाहरलाल मेहता और चुनचुन मेहता ने बताया कि वह शनिवार की संध्या करीब 7 बजे अपने गाँव के सरस्वती स्थान रोड स्थित विजय मेहता की दुकान पर पंखा ठीक करवा रहे थे। उसी वक्त इसराइन बेला वार्ड नंबर 1 थाना श्रीनगर निवासी शिवा कुमार उर्फ शिवा, जिनका ससुराल शेखपुरा में है, वह मुझे पंखा ठीक करवाते हुए देख लिया, मोबाइल से किसी को सूचित किया। जब मैं पंखा ठीक करवाकर अपने बाइक पर बैठ रहे थे, तभी बिना नंबर की 2 बाइक सवार 5 लोग वहां पहुंचे और शिवा ने कहा कि यही चुनचुन मेहता है। इतना कहते ही पिछले बाइक पर बैठे युवक ने गोली चलाते हुए उत्तर की तरफ निकल गया और शिवा कुमार भी वहां से भाग गया। गोली की आवाज सुनकर वहां मौजूद आदमी ने मुझे उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया एवं थाना को सूचना दिया। हालांकि इस घटना में गोली का बारूद से दाहिनी तरफ का हाथ झुलस गया। इलाज उपरांत मुखिया चुनचुन मेहता ने बताया कि इलाज के बाद जब मैं गांव पहुंचा तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शिवा कुमार अपने ससुराल में है। तब अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे पकड़ा तो इस घटना में गांव के ही ओम प्रकाश मेहता का पुत्र राकेश कुमार की भी संलिप्तता की बात सामने आई है। दोनों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, साथ ही उनके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ जो पुलिस को सौंप दिया गया है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है। घटना में 5 लोगों की संलिप्तता की बात कही गई है। आगे का अनुसंधान प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जा रहा है। पंखा ठीक कराने गए थे, पंखा दुकान पर हम ठीक करा रहे थे। शिव कुमार उप शिवा मेरे पीछे खड़ा था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कोई घटना कराएगा मेरे ऊपर। पीछे से मोटरसाइकिल सब 2 मोटरसाइकिल सवार, 1 पर 2 1 पर 3। अगली मोटरसाइकिल धीरे धीरे निकल गई, पिछली मोटरसाइकिल जैसे ही आया शिव कुमार कहा कि यही है चुनचुन मेहता, पीछे से गोली चला दिया मोटरसाइकिल सवार। किसी तरह हम बच करके घर आए और जाते समय ये भी कहा गया अपराधी द्वारा कि अब की बार तो तुमको मारे, दूसरे बार तुम्हारे बेटा को मार देंगे। इसलिए हम सरकार एवं प्रशासन से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि मेरे परिवार एवं हमारी स्थिति को मुआयना करते हुए समुचित सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मेरे एवं मेरे परिवार के ऊपर किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं घटे। अपराधी कितने लोग थे? 5 आदमी मोटरसाइकिल सवार हुए और 3 आदमी गांव के थे, जिसमें से शिवा उर्फ शिव कुमार, गांव के राकेश कुमार और सिंटू कुमार। गिरफ्तार कितने लोग हुए? गिरफ्तार 2 लोग हुए हैं। क्या मांग करते हैं? मैं यही पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे घटना को अंजाम देने वाले को उजागर करें। हम लोग मांग करते हैं कि इस लोग कम लोग जैसे कि बदमाश पकड़ा दे, हम लोग का कम लोग सुरक्षा अच्छा से मिले, घर परिवार को अच्छा से सुरक्षा मिले। और क्या हम लोग में आपको भी डर लग रहा है? तो डर तो सबको लगता है, तो हम तो हमारे तो और चुनचुन प्रसाद को भी इतना डर लगता है, सब परिवार पूरे गाँव को डर हो रहा है। रामाधीन सा पूरा गाँव 7 बजे शाम में कमला यहाँ छिनछोड़ हो रहा था, दिन में 9 बजे दिन में कमला छिनछोड़ हो रहा था। चंदन कुमार चरण, क्या हुई थी घटना? घटना तो अकस्मात हम लोगों को कुछ जानकारी के समय में जो जवाहरलाल मेहता और चुनचुन मेहता पर गोली चली, तो हम लोग बहुत पूरे गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा घटना ये कैसे घटित हो गया? इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे समाज के और इस पर इस ढंग का कायराना हरकत, और 7 बजे संध्या बहुत बड़ी रात नहीं है और इतनी रात्रि के प्रथम बेला में इतना बड़ा मौत देने वाली जो घटना है, ये कोई साधारण किलर का काम नहीं है और साधारण व्यक्ति इसको करवाने वाला भी नहीं है। और ऐसी घटना बार बार होती रहती है हमारे शेखपुरा पंचायत में, रास्ते पेरा पर भी रोड क्राइम होता है, किसी का गाड़ी छीन लेना, पैसा छीन लेना, बार बार इस घटना होता है। प्रशासन को भी सारा जानकारी है जो कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है। हम आपको धन्यवाद देना चाह रहे हैं, 2 दिन इस घटना को बीत गई है, आज आप हैं पब्लिक 24 न्यूज़ से ही, जो आप यहाँ आकर आज इस घटना को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं और समाज से इस ढंग की कुवृत्ति जो है समाज में, कुकृति जो हो रही है, उसको हम चाहेंगे आपके माध्यम से यह दूर होगा और प्रशासन इस पर पहल करे। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, इस परिवार की जो भविष्य में होने वाली कुछ भी धमकियां मिल रही है,
उस पर अमल किया जाए। और प्रतिनिधिगण भी है यहाँ पर, कुछ हमारे पिंटू भाई भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा वरीय पदाधिकारी से, आप आवेदन निवेदन करके इस समस्या का समाधान करें और जो भी इस घटना को करवाने में सम्मिलित है उसको फोकस किया जाए, वो कहाँ से है, क्यों है, तो दोबारा इस समाज पर कहीं दूसरे आदमी पर भी ऐसा घटना नहीं हो। और प्रशासन से हम लोग से यही उदासीनता है, कोई भी घटना क्राइम करता है इतने जल्दी छूट जाते हैं। यदि गांव घर में कोई लड़ाई झगड़ा होती है, बेवजह आदमी फंस जाता है, उसको छूटने में महीनों, 3 महीनों 6 महीना लग जाता है। लेकिन जो हकीकत में गलत आदमी है, चोर है, बदमाश है, बहुत जल्दी वो बेल होके चला जाता है। इसका जिम्मेवार कौन है? कानून है, सरकार है, प्रशासन है। जब तक सरकार उस पर सेंसिटिव ढंग से अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाएगा तो यह अपराधी बेलगाम होकर के इसी तरह घूमते रहेगा। महीना भी नहीं होता है दोबारा घटना यहाँ सुन जाते हैं, 10 दिन के बाद पता चलता है उसकी मर्डर हो गई, इसकी मर्डर हो गई। इसके विषय में मैं यहीं जितने भी प्रतिनिधिगण हैं और आपसे भी विनय करना चाहता हूँ, इसकी रिले पूरी होनी चाहिए और इस पर कानूनी कार्रवाई इस ढंग से होना चाहिए दोबारा हमारे समाज में या कहीं भी घटना नहीं हो। अभी अपराधी बेलगाम हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं बिहार में। सबसे बड़ा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अभी बैठे हुए हैं बिहार के मुख्य कुर्सी पे, वो लोग को बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ सत्ता कैसे हो इसकी चिंता है। अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, पहले लोगों को सुरक्षित कैसे हो उसकी देखना चाहिए सबको। अभी देख लीजिए, अब शेखपुरा पंचायत में घटना हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे लोग, एक मान के चलिए कैसे लोग चलेगा, कैसे कोई रोजगार करेगा, और सुरक्षित है समाज से भी लोग पे ये जो हो रहा इस तरह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये इसी घटना का निंदा करते हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं अविलंब इस पर कार्रवाई हो। मेरा कहना है कि ये घटना जस्ट मेरे घर के बगल में हुई है, जिस दुकान पर हुई है वह मेरे अंकल के दुकान थे और जस्ट वहाँ पर 4 दुकान है और दूध का डेयरी भी है। जिस समय में घटना हुई है उस समय लगभग वहाँ 50 आदमी भी रहते हैं एनी टाइम, लेकिन उस जगह जाके अपराधी इतना बेलगाम हो गया है, उस जगह जाके अपनी घटना को अंजाम दिए हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस गांव में, जो हम लोग मधेपुरा जिला के सबसे अंतिम छोर पर बसे हुए हैं, जस्ट इसके बाद पूर्णिया जिला है, इस पर पुलिस प्रशासन का निगरानी रहना चाहिए और इस पर हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और परिवार को सुरक्षित करें। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आपको दांत रखना है स्वस्थ तो इन चीजों से रहे दूर। चौमिन, पिज्जा, बर्गर, जितने भी स्टिकी चीज है, कृपया उनसे दूर रहे।